दोस्तों हार्दिक पांड्या ने वेंकटेश अय्यर को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा मेरे जैसे नहीं है वेंकटेश अय्यर। तो ऐसे में क्या कुछ है पूरी खबर की जानकारी बताएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम के फैन हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों टीम इंडिया पिछले कुछ समय से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 2022 T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम मैनेजमेंट कोई कसर भी नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए लगातार सभी खिलाड़ियों को मौका भी दिया जा रहा है। हिटमैन की कप्तानी में भारत टीम ने T20 में पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप किया, उसके बाद वेस्टइंडीज और फिर श्रीलंका की बारी आई। इन मैचों में युवा खिलाड़ियों ने मौके को दोनों हाथों से भुनाया और दमदार परफॉर्मेंस भी दी। ऐसे में ही एक खिलाड़ी तेज गेंदबाज ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर, यह खिलाड़ी काफी अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी करता है और हार्दिक के बाद इसे नए ऑलराउंडर के रूप में भी देखा जा रहा है। लेकिन इसको लेकर हार्दिक पांड्या ने बड़ा बयान दिया है। दोस्तों हार्दिक पांड्या पिछली बार भारतीय जर्सी में नवंबर 2021 में हुए T20 विश्व कप में नजर आए थे। वह पिछले कुछ समय से लगातार चोट से जूझ रहे हैं और क्रिकेट से दूर भी रहे। वही हार्दिक पांड्या ने अपना आखिरी वनडे जुलाई 2021 में खेला था। हार्दिक अब IPL 2022 में गुजरात टाइटंस की कप्तानी करते हुए भी नजर आएंगे। इसी बीच हार्दिक ने वेंकटेश अय्यर को लेकर बड़ा बयान भी कहा कि वेंकटेश अय्यर मेरे जैसे नहीं है, उनके पास अभी अनुभव की कमी है और उन्होंने जल्द ही अपने करियर की शुरुआत की है, तो मेरी तुलना उनसे ना करी जाए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन है सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर, हार्दिक पांड्या या वेंकटेश अय्यर? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।